तो कुछ भी वो व्यक्ति को यहाँ शिक्षा दी जा रही है। नारद जी कह रहे हैं कि आत्म जायात्म जा दिशु देह आत्मज मतलब पुत्र और जाया जिससे व्यक्ति जन्म लिया है। एक तो मां से जन्म लेता है लेकिन स्त्री से भी जन्म लेता है, पत्नी से भी। पुत्र के रूप में पति ही जन्म लेता है इसलिए पत्नी को जाया कहते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र के रूप में पति को जन्म लेना होता है तो उसे जाया कहते हैं। इसलिए स्कान में पत्नी को ही माता जी कहते हैं और अपनी माँ को जब माँ कहेंगे तब पता चलेगा कि ये जन्म देने वाली माँ है, नहीं तो माता जी कहते हैं। अपनी पत्नी को ही कह देते हैं माता जी को कह देना ये एक बार एक व्यक्ति आया लुधियाना से हमारे यहाँ दिल्ली से वृंदावन में, तो कहने लगा जल्दी जल्दी में भक्त है महाराज मैं आया था इसके पहले 2 घंटा पहले, लेकिन मेरी माता जी भी साथ में थी तो लोई बाजार में चली गई हैं, वो आएंगी। तो हम एकदम नहीं समझे तो हम पूछ दिए कि बाद में ही सोच रहे थे कि इनकी माता जी आई होंगी। तो मैं थोड़ी सी शंका मुझे हुई क्योंकि स्कैन में यही चलता है, तो यही टेक्नोलॉजी है। तो मैं पूछा कि तो, आपकी माँ या माता जी तो कह नहीं नहीं माता जी नहीं महाराज वो माता जी फलाने की माँ अपने लड़के का नाम लड़की का नाम रखे, इतना भ्रम में डालते हैं। जो भी हो जाया भी एक माँ ही है पति के लिए। तो जाया में ममता होती है बहुत अधिक घनिष्ठ, जहां व्यक्ति फंसा है उसी का नाम नारद जी ले रहे हैं कि देह में बेटा में पत्नी में आदिशु, आदिशु माने और भी बहुत से जैसे घर द्वार धन, तो किसी किसी की ममता भाई आदि में भी होती है, लेकिन मुख्य जो ममता के विषय है देह आत्मज और जाया, जाया को बीच में रखा गया। देह जाया वही है ना, और आत्मज आदिशु, इसकी ममता को छोड़ना चाहिए धीरे धीरे। कौन छोड़ेगा? जो व्यक्ति सत्संग करेगा वो छोड़ेगा, तो सत्संग करना चाहिए। नारद जी का कहने का आशय ये है। ये महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।